हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शीतल सुरेजा'स वेज किचन। कैसे हैं आप सब? आशा रखती हूँ आप सब बढ़िया से होंगे। मैं भी काफी मजे में हूँ। तो नवरात्रि आ रही है और नवरात्रि में उपवास बहुत से लोग करते हैं, तो उपवास में क्या खाया जाए मतलब। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाने की खीर। साबूदाने की खीर काफी मजेदार रेसिपी है, बहुत टेस्टी लगती है और व्रत में जरूर खाया जाता है और हेल्दी भी होती है साबूदाने की खीर। अगर जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट जरूर करें। और चलिए हम भी जल्दी जल्दी बनाते हैं साबूदाने की खीर। साबूदाने खीर बनाने के लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है, तो मैंने दूध पतीली में डाल के गैस पे गर्म करने के लिए रख दिया है। इसको बीच बीच में चलाते रहना है। दूध में उबाल आ चुका है और दूध भी गाढ़ा हो गया है, देख सकते हो कितना गाढ़ा दूध हो गया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी साबूदाना। अभी हम फिर से चला देंगे। मैंने साबूदाने को है ना 4 घंटे तक भिगो दिया था, फिर बाद में इसको छन्नी में छान के पानी पूरा निकाल दिया। अब ये हमें ट्रांसपेरेंट ना हो जाए तब तक इसमें पकाना है और बढ़िया सी खीर बनेगी, देखेगा आप। आप भी एक बार जरूर ट्राई करिएगा साबूदाने की खीर होते। पर ये याद रखना है, आराम से करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है और इस तरह से बीच बीच में चलाते रहना है ताकि हमारा नीचे चिपकेगा नहीं साबूदाना या दूध भी ना चिपक जाए। ये आप देख सकते हो धीरे धीरे हमारे साबूदाना है ना ट्रांसपेरेंट होने लगे हैं, ये देख सकते हो आप इस तरह से। अब मैं इसके अंदर चीनी डालूंगी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, कम ज्यादा। इसे भी इस तरह से चलाते रहेंगे हम। अब मैं इसके अंदर थोड़े से काजू डाल देती हूँ, किशमिश और बादाम। मैंने इलायची का को इस तरह से कूट लिया था, इस तरह से पाउडर बना के वो भी हम डाल देंगे। इसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी लगता है। थोड़े से पिस्ता भी डाल देंगे हम। अब इस तरह से हमें चलाते रहना है, ध्यान रखना है कि नीचे ना बैठे नहीं तो टेस्ट बिगड़ जाएगा आपका खीर का, साबूदाने खीर का। अब हमारी खीर साबूदाने की बन चुकी है, बढ़िया सी खीर बनी है साबूदाने की। तो मैं गैस बंद कर देती हूँ, अब थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर मैं है ना सर्व कर लूंगी। ये देखिए कितनी लाजवाब मजेदार मेरी साबूदाने की खीर बनी है। वाव, सो टेस्टी यमी, एक बार आप जरूर ट्राई करिएगा। अब मैं गार्निश कर लेती हूँ, थोड़ा से काजू डाल देती हूँ, बादाम। एकदम टेस्टी बना है, एक बार जरूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। तो ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।